सबको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कार्टेशियन प्लेन के बारे में सब्जेक्टिव टेस्ट चैप्टर वन के कब देंगे मार्क्स बच्चे? मैंने उसके आपको सॉल्यूशंस तो बता ही दिए थे और ये भी बता दिया था किस किस के कौन कौन से गलत होंगे या सही होंगे। स्टिल इफ यू वांट मार्क्स तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा बिकॉज थोड़ा सा टाइम इश्यू एंड मेरी हेल्थ वजह से मैं ज़्यादा कंप्यूटर पर बैठता नहीं हूँ, तो जस्ट वेट फॉर अ वाइल इफ यू वॉन्ट मार्क्स तो फाइन। हाँ जी, तो बताओ कार्टेशियन प्लेन के बारे में सभी को पता है? व्हाट इज कार्टेशियन प्लेन या जो भी जिसको आप ग्राफ बोलते हो सबको पता है क्या होता है? उसके सारे कंपोनेंट्स वगैरह सभी को पता है या नहीं पता है प्लीज बताइए। ओरिजिन के बारे में सब जानते हो, एक्सिस क्या होते हैं सबको पता है, क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, किस ऑर्डर में होते हैं, कहाँ होते हैं, कैसे बनते हैं, सभी कुछ पता है। गुड। एंड मिरर पॉइंट याद है? मिरर पॉइंट क्या होते हैं? हालांकि मैंने उसका एक भी क्वेश्चन आज तो नहीं इंक्लूड किया है, बट आई होप सबको मिरर पॉइंट याद होंगे। मिरर पॉइंट्स किसे कहते हैं? ऑर्डिनेट किसे कहते हैं? एप्सिसा किसे कहते हैं? कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं? इन सब में डिफरेंस पता होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन ही करते हैं फिर और पता चल जाएगा कि किसको क्या क्या पता है किसको क्या क्या नहीं पता है ना। इसकी थ्योरी मैं नहीं करवा रहा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी ऐसा है जो आप अर्लियर क्लासेस में नहीं कर चुके हो, 8th क्लास में, 7th क्लास में। तो सबसे पहला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा ये तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट वाला आ गया, सॉरी लेट मी चेंज। उत्कर्ष पांच, आओ जी आओ। अच्छा तुम्हारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का भी टेस्ट होना है एक एमसीक्यू वाला, इसी वीक में किसी भी दिन हो जाएगा, तो उसकी तैयारी रखना प्लीज। ठीक है, गुड इवनिंग अर्णव। हाँ जी, तो पहला प्रश्न है ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के है, मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि आप लोगों को कभी कहे कि सर एग्जाम्पलर नहीं कराते हैं, तो उसके भी क्वेश्चंस इंक्लूड कर रहा हूं मैं। एमसीक्यूज आपने आई होप करे होंगे। तो 0.07 कौन से कहां पर लाई करता है, इसमें से आपको आंसर देना है। ठीक है, प्लीज पहले ऑप्शंस देख लेना। यस यू नो द आंसर, बट समटाइम्स क्या होता है कि आपको ऑप्शंस जो दिए होते हैं उसमें कुछ ना कुछ वो ट्विस्ट डाल देते हैं, मींस कुछ कंफ्यूजन कर देते हैं, जिससे कि आप तो वो आंसर लगाते हो जो आपको पता है लेकिन उस क्वेश्चन में या उन ऑप्शंस में कुछ ना कुछ ऐसी उन्होंने इन सिंपल लैंग्वेज बदतमीजी की होती है कि आपका जो सही आंसर होता है वो एक जो आपको लगता है वो सही नहीं होता है, कोई और होता है। यहाँ तो सिंपल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बताइए ये किस पर लाई करेगा, एक्स एक्सिस पर होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा या फिर वाई एक्सिस पर होगा? ओके वंश एंड तन्वी, एंड केयरफुली पढ़ना है क्वेश्चन को, ध्यान से क्वेश्चन को देखिए मुकुंद। ओके संस्कृति, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये याद रखो मुकुंद, स्पेशली तुम, इज इट नहीं बच्चे, पूछना नहीं है बताना है, कंफर्म नहीं करना है। ठीक है, गुड इवनिंग आस्था, आरना, सौम्या जवाब दो। हाँ जी, मैं ये बता रहा था मुकुंद कि जब भी किसी कोऑर्डिनेट में जीरो होता है तो वो किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं होता है, तो क्वाड्रेंट वाले ऑप्शंस तो एलिमिनेट कर दो, बिल्कुल भूल जाओ, ये किसी क्वाड्रेंट में हो ही नहीं सकता बिकॉज इसमें एक्स या वाई, अगर एक्स या वाई कोई भी जीरो है तो वो क्वाड्रेंट में तो होगा ही नहीं, उनको हटा दो, बाकी बचे दो। अब इसमें एक्स की वैल्यू है या वाई की वैल्यू दी हुई है?
वैल्यू जो है न्यूमेरिकल वो जीरो कौन सी है, एक्स की है वाई की? जीरो वैल्यू है एक्स की, तो ये एक्स एक्सिस पर कभी भी नहीं आएगा, ये किस पर आएगा? वाई एक्सिस पर आएगा। ठीक है, जब आप इसको ड्रॉ करोगे तो इसका आंसर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, 7 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आंसर कहाँ पर आएगा, इसको प्लॉट कहाँ पर करोगे? एक्स तो जीरो है तो यानी कि वाई एक्सिस पर लाई करेगा, और वाई एक्सिस पर कहाँ पर करेगा? नेगेटिव साइड ऑफ वाई, 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर आएगा ये पॉइंट जीरो। एक्स जीरो है और वाई क्या है? -7 है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑन वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पर भी नहीं होगा। अगर एक्स जीरो है तो एक्स एक्सिस पर कभी नहीं होगा, अगर वाई जीरो है तो वाई एक्सिस पर कभी नहीं होगा। ठीक है, क्लियर रहना है माइंड में बिल्कुल, कि क्वाड्रेंट में तो ऐसा पॉइंट कभी भी आ ही नहीं सकता जिसमें कोई भी जीरो हो, चाहे वो एक्स हो या वाई हो। दूसरी बात, ये तो पता चल गया क्वाड्रेंट में नहीं है, कौन से एक्सिस पर होगा? अगर एक्स जीरो है तो वाई एक्सिस पर होगा, अगर वाई जीरो है तो एक्स एक्सिस पर होगा। ठीक है, छोटी सी चीज है लेकिन इसमें गड़बड़ हो जाती है, तो क्लियर रखना। एक्स जीरो है तो वाई एक्सिस पर है, वाई जीरो है तो एक्स एक्सिस पर है, दोनों जीरो है तो क्या होगा? दोनों जीरो हुए तो कहां पर होगा, जल्दी जल्दी बताओ। अगर दोनों जीरो हुए तो कहां पर होगा? यस, तब ये होगा ओरिजिन पर। नाम उसका क्या होता है? ओरिजिन होता है। अगर दोनों जीरो है तो वो होगा ओरिजिन पर। करेक्ट, गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनके मैं पीडीएफ बना के क्लासरूम पर भी शेयर कर दूंगा, ठीक है, सो डैट आप एमसीक्यूज की बार बार प्रैक्टिस कर सको। और मैं बाकी के भी एमसीक्यूज आज मैंने कुछ कंपाइल करे हैं, तो उन्हें भी मैं पुट करूंगा, देख लेना, अपलोड करूंगा। द पॉइंट एट विच द टू कोऑर्डिनेट्स एक्सिस मीट इज कॉल्ड? यस अर्नव, यूट्यूब पर भी होगा और जो इसका पीडीएफ है वो गूगल क्लासरूम पर भी होगा। पॉइंट्स एट विच द टू कोऑर्डिनेट्स एक्सिस मीट इज कॉल्ड? यस सौम्या, यस संस्कृति, करेक्ट। जहां पर दोनों एक्सिस मिलते हैं वो कौन सा इंटरसेक्ट करते हैं, वो कौन सा पॉइंट होता है? यस मुकुंद, यस आदित्य, सभी जवाब दो। यस आदित्य, सभी महानुभाव जवाब देंगे, सज्जन एंड ओके अर्नब, यस आदित्य, मिस्टर भारद्वाज। सो ये थे एप्सिसा, ऑर्डिनेट, ओरिजन एंड क्वाड्रेंट। तो इसमें आंसर क्या था? ओरिजन है, बिल्कुल सही, ओरिजन इज द आंसर, यस अर्नब। ऑप्शंस भी हैं आप बच्चे, मैं देना भूल गया था, बट दीज आर दी ऑप्शंस, इसमें ओरिजन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सिस ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनकी एक्सिस की वैल्यू क्या होगी? एक्स एक्सिस पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनकी एक्सिस की वैल्यू क्या होगी? इनमें से, इन चारों में से, जिस जिसको एक्सिस के बारे में पता है वो जरूर बता देंगे, जिन जिनको कंफ्यूजन है वो नहीं बता पाएंगे। ओके आदित्य, तो आपको वो ऑप्शन बताना है बच्चे जो लिखा है, ठीक है? ओके वंश, ओके यश, मिस्टर भारद्वाज, बताओ कौन सा ऑप्शन होगा फिर? एप्सिसा ऑफ एनी नंबर, सॉरी, ऑल पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस। ओके, चलो मुझे एक बात बताओ, दो बच्चों का जवाब अभी तक मुझे सही लगा। ये है आपका ग्राफ, ठीक है, इसमें एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है, देयर इज अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस जिसकी बात हो रही है, इसका एप्सिसा पूछा है उन्होंने। एप्सिसा किसकी वैल्यू को कहते हैं? एप्सिसा किसकी वैल्यू को कहते हो आप? यस आदित्य, यस वंश, एप्सिसा किसको कहते हैं? एक्स एक्स की वैल्यू को या वाई की वैल्यू को? पहले तो यहीं पर क्लियर हो, मुझे लगता है एप्सिसा की प्रॉब्लम है।
एब्सिसा किसकी वैल्यू को कहते हैं? ठीक है, सही बताया। संस्कृति, तन्वी आप भी बताओ। चलो जल्दी जल्दी, एब्सिसा संस्कृति ने बोला एक्स। ठीक है ठीक है ठीक है, एक्स है, तन्वी एक्स है। ठीक है, तो फिर आपने जीरो आंसर क्यों दिया? क्या एक्स एक्सिस पर जीरो कभी हो सकता है? एक्स की वैल्यू, एक्स एक्सिस पर एक्स की वैल्यू जीरो हो सकती है? एक्स एक्सिस पर एक्स की वैल्यू जीरो हो सकती है? बताइए जल्दी जल्दी, एक्स एक्सिस पर एक्स की वैल्यू जीरो हो सकती है? नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। एक्स एक्सिस पर एक्स की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती है। एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है? एक्स की वैल्यू वन भी हो सकती है, टू भी हो सकती है, थ्री भी हो सकती है, फोर भी हो सकती है, फाइव भी हो सकती है। तो इसका मतलब होता है यस आदित्य, आपने सही बोला था, वंश और आदित्य ने सही बोला था। इसका मतलब है एक्स एक्सिस पर एब्सिसा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है कि नहीं? एक्स एक्सिस पर एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यानी कि एब्सिसा की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? एनी नंबर। समझ आ गया? क्लियर है या किसी को डाउट है? प्लीज पूछ लो। एक्स एक्सिस पर एब्सिसा हमेशा कुछ भी हो सकता है, वाई हमेशा जीरो होगा। अगर वो पूछते एक्स एक्सिस पर, मिस्टर भारद्वाज, आदित्य भारद्वाज के बारे में बोल रहा था, उन्होंने सही आंसर दिया था। वंश और आदित्य भारद्वाज दोनों ने सही आंसर दिया था। तो यस, मिस्टर आदित्य वर्मा, समझ में आ गया या अभी भी कंफ्यूजन है? प्लीज बताओ। अगर उन्होंने पूछा होता एक्स एक्सिस पर ऑर्डिनेट की क्या वैल्यू होती है, तब आंसर जीरो होता, क्योंकि एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू हमेशा जीरो होगी। क्लियर है? जिस जिसने भी जीरो आंसर दिया था प्लीज बताओ। अगर कंफ्यूजन है तो फिर से क्लियर कर लो, एमसीक्यूज में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। एक्स एक्सिस पर एप्सिसा, एप्सिसा का मतलब है ओके मिस्टर वर्मा, गुड डन। जल्दी जल्दी आते हैं आंसर्स, मैं थोड़ा स्टैट बॉक्स को हाइट बढ़ा लेता हूँ जिससे मुझे बहुत सारे आंसर्स एक साथ दिख सके। चलो गुड, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन ऑफ द एप्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में एप्सिसा एंड ऑर्डिनेट के रेस्पेक्टिवली साइंस क्या होंगे? रेस्पेक्टिवली मीन्स पहले एप्सिसा और फिर ऑर्डिनेट, यानी कि पहले एक्स और फिर वाई, उनके साइंस सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसे होंगे? ओके मिस्टर वर्मा, ओके संस्कृति। सेकंड क्वाड्रेंट में संस्कृति, केयरफुली बच्चे, सेकंड क्वाड्रेंट में पूछा है। संस्कृति अगेन गलत है बच्चे, ध्यान से। सेकंड क्वाड्रेंट अगर आप बना सकते हो कॉपी पे, एक बार बना लो क्वाड्रेंट वगैरह, अगर थोड़ी प्रॉब्लम वैसे होती है, कई बार होता है विजुअली सामने नहीं होता तो हमें आंसर देने में थोड़ी मुश्किल होती है, बेटर कि आप ड्रॉ कर लो। ठीक है, देखो ये होता है ना, चलो मैं ड्रॉ कर देता हूं अगर किसी को कंफ्यूजन है थोड़ा सा भी। ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है, ये फोर्थ होता है। इसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसमें एक्स नेगेटिव होता है और ऑर्डिनेट यानी कि वाई पॉजिटिव होता है। इसमें दोनों ही नेगेटिव होते हैं और इसमें एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। यस नाउ करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट इन दिस केस। उन्होंने सेकंड क्वाड्रेंट का पूछा है, एप्सिसा एंड ऑर्डिनेट। प्लीज याद रखना एक चीज, इसमें बहुत बहुत ज्यादा जो कॉमनली वो करते हैं, वो क्या करते हैं, यहां पर लिख देते हैं ऑर्डिनेट एप्सिसा की जगह और यहाँ पे लिख देते हैं एप्सिसा और यहाँ पे रेस्पेक्टिवली लिखा होता है। तो उस केस में आंसर क्या होगा? उस केस में फिर सी आंसर नहीं होगा। पहले ऑर्डिनेट का साइन बताओ सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और फिर एप्सिसा का साइन बताओ सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो उस केस में आंसर क्या होता, ये होता। रेस्पेक्टिवली लिखा है यानी कि उसी ऑर्डर में बताना है। अगर उन्होंने पहले ऑर्डिनेट और फिर एप्सिसा लिखा है तो उसी ऑर्डर में आपको साइन बताने हैं। अगर यहाँ पे पहले एप्सिसा और फिर ऑर्डिनेट लिखा है तो उसी ऑर्डर में आपको साइन बताना है। रेस्पेक्टिवली का मतलब आप सभी को पता होगा, फिर भी मैंने क्लियर कर दिया है कि उसी ऑर्डर में आंसर देना है जिस ऑर्डर में लिखा है। ठीक है, पहले एप्सिसा है तो पहले एप्सिसा का साइन बताओगे सेकेंड क्वाड्रेंट में, फिर ऑर्डिनेट का बताओगे।
तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना प्लीज। यस आदित्य, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी, इसको आप जल्दी जल्दी से ड्रॉ करो और बताओ कि इसका एरिया क्या होगा। वैसे बिना ड्रॉ करे ही पता चल जाएगा, स्टिल अगर आपको प्रॉब्लम होती है, आप ऐसे नहीं बता पाते हो, तो जल्दी से ड्रॉ कर लो। ड्रॉ के लिए आपको कोई स्केल वगैरह की जरूरत नहीं है, आप रफली भी ड्रॉ करोगे तब भी आप बता पाओगे आंसर। हालांकि अगर ध्यान से कोऑर्डिनेट देखोगे तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या है। एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी हैविंग वर्टिसेस दिस 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 इज कितने स्क्वायर यूनिट्स। आपको एरिया बताना है ऐसे ट्राइंगल का जो इन तीन वर्टिसेस को मिलाकर बनता है। यहां से आपको बेस भी क्लियरली दिख रहा है और हाइट भी क्लियरली दिख रही है अगर आप देखोगे तो। अगर नहीं देख पा रहे हो तो आप ड्रॉ करो जल्दी जल्दी से पॉइंट्स को, और आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली मैं आपको आंसर क्या देना है। ओके आदित्य, ओके वंश, ओके 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 अर्णव, ओके तन्वी, ओके आस्था। ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? ओके संस्कृति, ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला प्लीज जल्दी से बताओ। कई बच्चों ने गड़बड़ आंसर सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले की मिस्टेक की वजह से दिए हैं, आई एम श्योर। तो ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? ओके मिस्टर भारद्वाज, ओके तन्वी, यस करेक्ट। संस्कृति आप बताओ ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? ओके मिस्टर वर्मा, वंश, ओके यश, ओके संस्कृति, संस्कृति यू मीन 1/2 करेक्ट? यस, तो उसके हिसाब से आपका ये आंसर आया। आर यू श्योर? उसके हिसाब से आपका आंसर वो आया जो आपने मुझे भेजा अभी अभी। ए प्लस बी प्लस सी नहीं होता है वंश, ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला। यहाँ पे हेरॉन्स नहीं लगेगा, मतलब लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। देखो आप अगर नहीं कर पा रहे हो तो फिर ड्रॉ कर लिया करो, सिंपल सी बात है। एक पॉइंट है, ए पॉइंट है, ले लिया हमने 0 6। 0 6 कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा, मीन्स 6 यूनिट्स। तो ये हो गया, ये ए पॉइंट हो गया। दूसरा है 0 0, ये बी पॉइंट है, ठीक है। और सी पॉइंट का है 6 0, यानी 6 यूनिट्स ही है। 6 0, 6 यूनिट्स ही हो गया, 6 यूनिट्स ही हो गया। इसको ज्वाइन करोगे तो राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट, 18 स्क्वायर सेंटीमीटर्स, दैट्स इट, या यूनिट सॉरी नॉट सेंटीमीटर्स। इसमें याद रखना हमेशा, जब भी एक कोऑर्डिनेट 0 0 दिया हो किसी भी ट्रायंगल का, तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, बाकी जो दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं उसमें से वाई की वैल्यू और एक्स की वैल्यू, जो वाई की वैल्यू होगी वो हमेशा हाइट होगी, जो एक्स की वैल्यू होगी वो हमेशा बेस होगी, उनको मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड करो, मीन्स हाफ बेस इंटू हाइट, दैट गिव्स यू द करेक्ट आंसर, मीन्स एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। फाइन। और अगर नहीं आता है तो ड्रॉ करने में भी इतना टाइम नहीं लगेगा। इन केस आप कंफ्यूज हो तो रफ में थोड़ा सा ड्रॉ कर लो जल्दी जल्दी से, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। नेगेटिव तो है ही नहीं, तो आपको सिर्फ दो ही क्वाड्रेंट, एक ही क्वाड्रेंट बनाना है। उसको जल्दी से ड्रॉ करो और देख लो जो बेस है जो हाइट है मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका करेक्ट आंसर है 18 स्क्वायर सेंटीमीटर, यूनिट सॉरी नॉट सेंटीमीटर्स, 18 स्क्वायर यूनिट्स। आगे भी ऐसे क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, लेट्स सी। ये इसका आंसर नहीं है, कभी उसे कर दो। ऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस, ये मैंने अभी बताया था,
एक्स एक्सिस पर ऑर्डिनेट्स की वैल्यू क्या होती है? जितने भी ऑर्डिनेट्स होंगे एक्स एक्सिस पर उनकी वैल्यू क्या होगी? अभी हमने अब्सिसा की बात करी थी, अब आ गई ऑर्डिनेट की बात। आस्था, ध्यान से। यस, बाकी सभी के आंसर्स करेक्ट हैं। ऑर्डिनेट पर सभी, सॉरी, एक्स एक्सिस पर ऑर्डिनेट की सभी वैल्यू। मुकुंद एंड आस्था का गलत है। आदित्य भारद्वाज आपका भी गलत है। एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू क्या होती है? जल्दी जल्दी बताओ। एक्स एक्सिस पर अगर वाई की वैल्यू मैं देखूंगा तो क्या होगी? ऑर्डिनेट किसे बोलते हैं? नहीं बच्चे, ऑर्डिनेट वाई एक्सिस को बोलते हैं। बिल्कुल, वाई को बोलते हैं, वाई की वैल्यू को बोलते हैं, एक्सिस को नहीं बोलते। ऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई की वैल्यू। किसी भी कोऑर्डिनेट में ये जो वैल्यू होती है इसे एब्सिसा बोलते हैं, ये जो वैल्यू होती है वो ऑर्डिनेट होता है। तो एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू क्या होगी? हमेशा जीरो ही होगी। जीरो, कहीं पर भी ले लो पॉइंट। यस, जीरो विल बी आंसर। एक्स एक्सिस पर ऑर्डिनेट हमेशा जीरो होगा, ठीक है? ऑर्डिनेट मींस वाई। अभी अभी बताया था, तब भी इतने सारे गलत आंसर्स। अगर एक्स एक्सिस पर वो आपसे एब्सिसा पूछ रहे हैं तो इसका मतलब एक्स एक्सिस पर वो एक्स की वैल्यू पूछ रहे हैं, जो कि कोई भी नंबर हो सकती है। लेकिन एक्स एक्सिस पर अगर वो ऑर्डिनेट पूछ रहे हैं तो एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू पूछ रहे हैं, जो कि जीरो ही होगी, कुछ और नहीं हो सकती। सिमिलरली वाई एक्सिस पर अगर वो एब्सिसा पूछते तो उसकी वैल्यू जीरो होगी, बट वाई एक्सिस पर अगर वो ऑर्डिनेट पूछेंगे तो कोई भी नंबर हो सकता है, एनी नंबर। एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट को बहुत केयरफुली आप पढ़ लो, ध्यान दे लो। पढ़ने की तो जरूरत नहीं है, इतना कोई वास्ट टॉपिक नहीं है। एब्सिसा मीन्स एक्स की वैल्यू, ऑर्डिनेट मीन्स वाई की वैल्यू। और ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू हमेशा जीरो होती है एंड वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू हमेशा जीरो होती है। रटने नहीं है आंसर्स, एनी नंबर बहुत सारे बच्चों ने दे दिया आंसर, बट एनी नंबर नहीं होगा इसमें। बताओ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 43 फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये मैंने आपको जब चैप्टर कराया था फर्स्ट क्लास में बताया था कि ये ऐसे क्वेश्चन है जो टीचर्स कई बार नहीं करवाते हैं और दे देते हैं, जो कि एक्चुअली में बहुत सिंपल क्वेश्चन है, टीचर को बताने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। और मैंने आपको इसकी ट्रिक्स भी बताई थी, छोटी सी ट्रिक है, इसकी ट्रिक नहीं है कुछ भी, बस ऑब्जर्वेशन है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P43 फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से इस पॉइंट का कितना डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, आपको ये बताना है। अगर नहीं आता है तो ड्रॉ करके देख लो जल्दी जल्दी से, रफ फिगर। यस, सो फार जिस जिसने आंसर्स दिए हैं सबके करेक्ट है। आदित्य, अर्नव, आस्था, मुकुंद, दूसरे आदित्य, वंश, सभी के आंसर्स करेक्ट है। जब भी आपसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात पूछी जाए, यस संस्कृति, तो अगर आपसे एक्स एक्सिस की बात पूछी जा रही है तो आप वाई की वैल्यू बता दोगे उतने यूनिट्स, और अगर आपसे वाई एक्सिस से पूछा जा रहा है तो आप एक्स एक्सिस की वैल्यू बता दो। हमेशा पॉजिटिव वैल्यू बतानी है, याद रखना। अगर -3 भी लिखा होता तो आप 3 यूनिट्स ही बताओगे, क्योंकि वो डिस्टेंस पूछ रहे हैं, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर आप ड्रॉ करके भी देख सकते हो चाहो तो। आपको एक पॉइंट दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये प्लॉट करोगे जब आप पॉइंट 1 2 3 4 एंड 3 यहाँ पर आएगा, तो इस पॉइंट की वैल्यू, इस पॉइंट का डिस्टेंस वो आपसे किससे पूछ रहे हैं, एक्स एक्सिस से पूछ रहे हैं, एक्स एक्सिस से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसको आप मेजर करोगे कहाँ से, यहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, देखो 3 यूनिट्स है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया, जो वाई की वैल्यू होगी। अगर एक्स एक्सिस से पूछा है डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आप वाई की वैल्यू बता दोगे, और अगर वाई एक्सिस से पूछा है डिस्टेंस तो आप एक्स की वैल्यू बता दोगे। इतना सोचने की जरूरत नहीं है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा इन्हीं में छुपा होता है जो आपको कोऑर्डिनेट दिए हैं। लेकिन याद रखना आंसर हमेशा पॉजिटिव ही लिखना है। अगर ये -4 3 लिखा होता और पूछते वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस बताओ, तो -4 नहीं लिखोगे, आंसर 4 यूनिट्स ही लिखोगे, बिकॉज वो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है।
गॉट इट। ये ट्रिक याद रहेगी, ट्रिक नहीं है, ये छोटी सी ऑब्जर्वेशन है। अगर एक्स एक्सिस से पूछा है तो ये डिस्टेंस होगा, वाई एक्सिस से पूछा है तो ये डिस्टेंस होगा। सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्लियर? चलो आगे चलते हैं फिर। ये आपको दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपको इसकी वैल्यू बतानी है, खुद से सॉल्व करो। मैं ना क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, ना ही आपसे आंसर्स डिस्कस कर रहा हूं, ना ही कुछ बता रहा हूं। इसका आंसर बताइए क्या होगा, ये एक्सप्रेशन का जो लिखा हुआ है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको बतानी है सॉल्व करके। पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, ए के पॉइंट दिए हुए हैं -2, 3, अगर बड़ा बड़ा आप देखना चाहते हो -3, 5। ओके मिस्टर वर्मा, ओके आस्था, ओके मिस्टर भारद्वाज, ओके यश, ओके तन्वी, यस मिस्टर वर्मा, गॉट दैट, ओके वंश, ठीक है। अभी तक सभी के आंसर्स करेक्ट हैं, यश को छोड़ के। यश ध्यान से करो, आरना थोड़ा सा ध्यान से देखो बच्चे, कैलकुलेशन ध्यान से कीजिए, साइन की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए सभी बच्चे। सौम्या कोई आंसर नहीं आ रहा बच्चे तुम्हारा, एप्सिसा ऑफ ए, एप्सिसा ऑफ ए क्या है -2, बीच में माइनस का साइन है, माइनस लगाया। एप्सिसा ऑफ बी वो है -3, -2 एज इट इज, -3 हो गया, 3 - 2 कितना होता है 1 होता है, तो आंसर क्या होगा 1, -1 नहीं होगा। कैलकुलेशन ध्यान से कीजिए, साइन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, चिन्ह ध्यान से लगाइए। ठीक है चलो, इजी क्वेश्चन था बट ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यूज में क्योंकि मिस्टेक हो जाती है। ये भी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, पॉइंट दिस एंड दिस लाई इन किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड में है, फोर्थ या सेकंड में है, सेकंड या फोर्थ में है, या सेम क्वाड्रेंट में है, जल्दी जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। आप सी ए बी सी डी लिख दो बस, पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ओके ऑप्शन बता दो बच्चे कौन सा ऑप्शन है, ओके वंश, ओके ओके सौम्या, ओके आदित्य, ओके तन्वी, ओके संस्कृति, ऑप्शंस देख लेना एंड ये भी देख लेना, रेस्पेक्टिवली लिखा है लास्ट में, रेस्पेक्टिवली का भी रेस्पेक्ट रखनी है आपको। तन्वी चेंज्ड योर आंसर, ओके बट ठीक है कंसीडर कर लिया जाएगा, रेस्पेक्टिवली भी देख लेना, दो ऑप्शंस बिल्कुल सेम है, सेकंड फोर्थ, फोर्थ सेकंड, लेकिन उनमें चेंज क्या है, रेस्पेक्टिवली की वजह से वो चेंज हो गए, है ना। दोनों ऑप्शंस ये करेक्ट ही हैं, सी भी ऑप्शन भी करेक्ट है, डी ऑप्शन भी करेक्ट है, लेकिन रेस्पेक्टिवली के हिसाब से देखोगे तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है, ये सेकंड में आता है और ये फोर्थ में आता है। तो कई बार होता है हम थर्ड ऑप्शन देखते हैं, अरे फोर्थ और सेकंड में ही तो आते हैं, लिख दो ऐसे ही, लेकिन ये नहीं देखा कि रेस्पेक्टिवली की वजह से आंसर हो जाएगा गलत, तो सारे ऑप्शंस केयरफुली देख लेने हैं, ठीक है। कई बार होता है कि पहला ही ऑप्शन हमें करेक्ट लगता है, अरे यही तो है, बाकी हम क्यों देखें, प्लीज गो थ्रू ऑल दी ऑप्शंस और फिर देखो कि ये जब दोनों सेम ही दिए हुए हैं तो कुछ ना कुछ कैच होगा इस ऑप्शन में, इन ऑप्शंस में या इन आंसर्स में, तो उसको फिर एनालाइज करके तब आंसर देना है, अदरवाइज हो जाएगा इनकरेक्ट। यस मिस्टर वर्मा, फाइन, जिस जिसका ऑप्शन सी था, जिस जिसने दिया था उनका ऑप्शन क्यों गलत हुआ, इस रेस्पेक्टिवली की वजह से गलत हुआ। अगर रेस्पेक्टिवली नहीं लिखा होता
तो फिर ऑप्शन डी कुछ और दिया होता या ऑप्शन सी कुछ और दिया होता, सेम ऑप्शंस नहीं होते ये, ऑर्डर शफल होता तब भी नहीं। चलो ये एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है अगेन, ये और एग्जाम्पलर का नहीं है। चलो अब ये बताओ कि पहले तो ये जो पॉइंट्स हैं इनको जब आप प्लॉट करोगे ग्राफ पे तो आपको कैसी फिगर मिलेगी, जो भी फिगर मिलेगी वो क्या होगा, सिर्फ पॉइंट्स देखकर अगर बता सकते हो तो बताओ, ड्रॉ नहीं करना है, ओनली पॉइंट्स देखो और बताओ इफ यू कैन कि इसको जब आप बता बनाओगे तो। नहीं संस्कृति बच्चे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हैं, स्क्वायर में हमेशा कोऑर्डिनेट्स जो होंगे एक्सिस और ऑर्डिनेट वो सेम सेम ही होंगे। यस नाउ यू गॉट इट, ओके आदित्य रोम्बस, ओके किसी ने स्क्वायर बोला, किसी ने रोम्बस, किसी ने ट्रपीजियम भी बोला है, तुम तो गैस कर रहे हो बच्चे, गैस नहीं करना है। जिसने रोम्बस लिखा है उसका भी इनकरेक्ट है, जिसने स्क्वायर लिखा है उसका भी इनकरेक्ट है, जिसने ट्रपीजियम लिखा है उसका भी इनकरेक्ट है, जिसने रेक्टेंगल लिखा है उसका करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, दो चीजें मैं बताना चाहूंगा चलो आपको, जिस जिसको नहीं पता। एक तो सबसे पहले आप ये देखो कि क्या आपके जो पॉइंट्स दिए हैं उसमें जीरो जीरो है, बिल्कुल है, और अगर मैं चलो प्लॉट करके बता देता हूँ और समझ में आ जाएगा अच्छे से, ये आपने प्लॉट किया ठीक है, जल्दी जल्दी, एक पॉइंट तो है कहाँ पर, जीरो जीरो पर, जीरो जीरो, दूसरा पॉइंट कहाँ है, फाइव जीरो पर, 5 0, तीसरा पॉइंट का है 0 3 पर, 0 3 मींस वाई एक्सिस पर, 0 3 पर, और फोर्थ पॉइंट का है, सॉरी 5 3 है, एक 5 3 है, हाँ ये 5 3 आएगा यहाँ पर, 5 3 पर, ये है चार पॉइंट्स है ए बी सी डी, ओ ए बी सी, ओ ए और ये है बी और ये सी। तो यहां से अब आपको पता चल जाएगा, देखो जीरो से आप पहले y की डिफरेंस को देखो, 0 से 3 तक का कितना डिफरेंस है, 3 यूनिट्स है ठीक है, और यहाँ पर 0 से 3 का डिफरेंस कितना है, ये भी 3 यूनिट्स है, तो आमने सामने की जो साइड्स है वो तो हो गई इक्वल। ऑल्सो यहाँ पर देखो 0 से x को देखो, 0 से 5 का डिफरेंस, यहाँ पे भी 0 से 5 का डिफरेंस, तो ये दोनों साइड्स भी इक्वल है, 5 यूनिट्स एंड 5 यूनिट्स, लेकिन इक्वल तो है लेकिन चारों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया। स्क्वायर कब होता जब चारों ही इक्वल होते, तो ये एक रेक्टेंगल होगा ना कि स्क्वायर ना ही रोम्बस, रोम्बस के लिए भी चारों साइड्स इक्वल चाहिए। ऑल्सो यहां पर रोम्बस एंड स्क्वायर दोनों दिए हुए हैं, फाइन, जब आपको कोई ऐसी वैल्यू ना दी हो ना, मीन्स आपको सिर्फ ज्योमेट्रिकल फिगर के बारे में पूछा हो, तो एक जैसी क्वालिटी वाले जो वो होते हैं फिगर्स होते हैं वो मोस्टली आंसर्स नहीं होते हैं, क्योंकि स्क्वायर भी एक रोम्बस होता है, रोम्बस भी एक स्क्वायर होता है, दोनों ही सेम सेम ही होते हैं, सिर्फ एंगल का फर्क होता है इसमें या डायगनल्स का फर्क होता है। डायगनल्स के बारे में यहाँ पर कुछ बताया नहीं गया है, तो हम कैसे इनको सेग्रीगेट करेंगे कि ये रोम्बस है या फिर स्क्वायर है, सपोज करो कि ये स्क्वायर ही होता आंसर, लेकिन अगर आप रोम्बस लगाओगे तो वो भी तो करेक्ट होगा, बिकॉज एक स्क्वायर एक रोम्बस भी होता है ना, तो उसमें तो कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा, दैट्स वाई ऐसे आंसर्स को तो नेगलेक्ट ही कर दो जो सेम है, जो डिफरेंट है उनमें थोड़ा सा एनालाइज करो अपने आंसर को। अगेन अगर प्रॉब्लम होती है तो ड्रॉ करके देख लो, इट वॉन्ट टेक सो मच टाइम, टू मच टाइम नहीं लेगा ये, आपको हार्डली 1 या 2 मिनट्स लगेंगे इसको ड्रॉ करने में, और ड्रॉ करते करते ही आपको पता चल जाएगा कि ये एक्चुअली में है क्या। इस केस में अगर इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए बोलते तो बताओ जल्दी से एरिया क्या आता, अगर वो पूछ लेते इस रेक्टेंगल का एरिया बताओ या फिगर जो भी है इसका एरिया बताओ, तो क्या एरिया आता, ये रहे इसके डायमेंशंस, यस 15 स्क्वायर यूनिट्स, करेक्ट, एक साइड है इसकी 5 यूनिट्स, एक है 3 यूनिट्स, तो 15 स्क्वायर यूनिट्स।
हालांकि ये एरिया वाले क्वेश्चंस जो है वो 10th में भी इंक्लूडेड है, लेकिन 9th में भी आ जाते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th की और 9th की इस वाले कॉन्टेक्स्ट में सेम ही है। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच लाई ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस एंड 4 यूनिट्स अवे फ्रॉम द ओरिजिन। एक्स वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट है पॉजिटिव साइड में और ओरिजिन से 4 यूनिट्स दूर है, तो कौन सा कोऑर्डिनेट होगा? जल्दी बताइए। वाई एक्सिस पर है, इससे आपको दो ऑप्शंस एलिमिनेट करने में मदद मिल जाएगी। वंश वाई एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर है। यस, नाउ करेक्ट। यस तन्वी, यस संस्कृति। ठीक है, एलिमिनेट करो। वाई एक्सिस पर है तो कौन से ऑप्शंस इसका आंसर हो ही नहीं सकते, जिनमें वाई की वैल्यू जीरो है। कोई बात नहीं बच, जिनमें वाई की वैल्यू जीरो है वो तो इसके आंसर्स हो ही नहीं सकते, क्योंकि वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है। वाई एक्सिस पर कभी भी वाई जीरो नहीं होता है। बच्चे ये दोनों उसने साफ साफ बोला है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो नेगेटिव वाला भी नहीं हो सकता। आंसर क्या बचा? 0 4। यस, डी इज द आंसर। सो कई बार अगर आप कंफ्यूज होते हो तो एलिमिनेशन मेथड से भी आपको हेल्प मिल सकती है। इसमें कुछ ना कुछ ऑप्शंस ऐसे जरूर दिए जाते हैं जो उसका आंसर हो ही नहीं सकते। अगर आपको बेसिक नॉलेज है और आपको पूरी तरीके से पता है कि आपका जो चैप्टर है उसमें क्या चीज हो सकती है क्या नहीं हो सकती है, तो आंसर ना आते हुए भी आप एलिमिनेट करके अपने आंसर तक पहुंच सकते हो। इजिएस्ट मेथड होता है ये, मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे ही करते हैं। जब आपको एग्जाम में आंसर नहीं पता होते तो उसमें से हम जो है आंसर वो नहीं पता, लेकिन जो हो ही नहीं सकता वो पता है, तो उसको एलिमिनेट करो, काफी हद तक आपकी हेल्प हो जाती है इससे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर है तो। यस है। एब्सिसा ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस, अगेन देखो सेम ही क्वेश्चन आ गया, कुछ कुछ वैसा ही। वाई एक्सिस पर एब्सिसा क्या होती है हमेशा? यस, वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू हमेशा क्या होती है? जीरो होती है। अब आपको समझ में आ गया सभी को? यस, वाई एक्सिस पर एब्सिसा हमेशा जीरो ही होगी। करेक्ट। यस, अभी भी -1। समझते क्यों नहीं हो ध्यान से? एब्सिसा मतलब एक्स, क्या वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू होती है? कुछ नहीं होती है, तो आंसर क्या होगा? जीरो होगा। -1 कहां से आया? ध्यान से पढ़ो बच्चे, ध्यान से सुनो, एक्टिव लिसनिंग। चलो ये बताओ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट विच लाई ऑन एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस, जो एक्स एक्सिस पर भी लाई करते हो वाई एक्सिस पर भी लाई करते हो, इसमें से कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं ऐसे? यस वंश, ऐसे कोऑर्डिनेट्स। यस आर्ना, यस संस्कृति, यस आदित्य, मिस्टर भारद्वाज, तुम्हारा आंसर गलत है। -1 -1 वाई एक्सिस पर भी नहीं होगा, ना ही एक्स एक्सिस पर होगा, किसी पे भी लाइन नहीं करेगा। यस तन्वी, यस यश, यस अर्णव, आदित्य, जल्दी से बताओ बच्चे क्या आंसर होगा? फिर तो नहीं बच्चे, एक आंसर होना चाहिए, एग्जाम में दो दो थोड़ी आपको मिलेंगे चांसेस, एक बार में होना चाहिए बच्चे। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको ये नहीं भी पता है तो ऐसे ही सोच लेते। आपको क्या बताया कि वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट होता है तो उसका एब्सिसा क्या होता है? जीरो होता है। उन्होंने बोला है वाई एक्सिस पर होना चाहिए तो एब्सिसा जीरो होगा, फिर उन्होंने ये भी बोला है कि एक्स एक्सिस पर भी होना चाहिए तो वाई की वैल्यू भी क्या होगी? जीरो ही होगी। ये आ गया आंसर। इफ यू डोंट नो द आंसर तो ऐसे देख लो, एक्स एक्सिस पर है तो वाई जीरो होगा, वाई एक्सिस पर है तो एक्स भी जीरो होगा। यू हैव योर आंसर। ठीक है, ठीक है। ज्ञानी उल्लू, कभी देखा है? किसी ने सुना है इसका नाम? क्या इसको इंग्लिश में कुछ बोलते हैं? ये किसी का नहीं है बच्चे, ये
ये इसको ज्ञानी उल्लू, हिंदी में तो ज्ञानी उल्लू कहते हैं, इंग्लिश में आई डोंट नो क्या कहते हैं, जो कि बहुत ही समझदार माना जाता है। इसको नेगेटिव उसमें नहीं लेना चाहिए, उल्लू बहुत समझदार प्राणी होता है। नहीं, आउल तो पता है मुझे, वो एक मेटाफोर होता है जिसके लिए यूज किया जाता है, जिसका मतलब होता है विजडम वाला कोई इंसान, मुझे याद नहीं आ रहा उसका असली, चलो मैं बताऊंगा। आपने बुक्स में भी कई बार देखा होगा कि उल्लू की तस्वीर बनी होती है, वो किताब लेके खड़ा होता है, देखिए किसी ने, बहुत सारी बुक्स में होता है, एक आउल बना होता है, वाइज आउल, हाँ कह सकते हो वाइज आउल, है ना। तो क्यों लिखा होता है, क्योंकि देखना कभी बुक्स में होता है, बहुत सारी बुक्स में होता है, आउल बना होता है, उसके हाथ में छड़ी होती है, टीचर की तरह वो होता है, उसके सिर पे कैप भी होती है कई बार, वो ग्रेजुएशन वाली कैप। चलो, अ पॉइंट हुज एब्सिसा 7, बताओ एक्स एक्सिस पर है और एब्सिसा 7 है, कौन सा पॉइंट होगा? एक्स एक्सिस पर है, एब्सिसा 7 है, एक्स एक्सिस पर है, एब्सिसा 7 है। यस तन्वी, करेक्ट। यस वंश, यस मुकुंद, यस नो यश। एक्स एक्सिस पर है बच्चे, एक्स एक्सिस पर है तो एक्स 0 कैसे होगा, एक्स एक्सिस पर है तो वाई 0 होगा। यस संस्कृति, करेक्ट। यश, एक्स एक्सिस पर वाई 0 होता है, वाई एक्सिस पर एक्स 0 होता है, ठीक है। यस आर्नब, एक्स एक्सिस पर है तो वो वाले ऑप्शंस तो हटा दो जिसमें एक्स को 0 दिया हुआ है, वो तो हो ही नहीं सकता आंसर, ये नहीं हो सकता, ठीक है। और एक्स एक्सिस पर है तो वाई 0 ही होगा, यानी इन दोनों में से कोई होगा। अब उसने साफ साफ दिया है एब्सिसा क्या है, 7 है, तो -7 क्यों होगा, ये भी नहीं होगा, आंसर क्या बच्चा, यही होता है। जब भी एक्सिस पर कोई पॉइंट होता है तो उसमें दोनों वैल्यू 0, दोनों में से एक वैल्यू 0 तो जरूर होगी, ठीक है। तो पहले तो उसे एलिमिनेट कर दो जिसमें वैल्यू 0 नहीं है, इसमें कोई भी वैल्यू 0 नहीं है तो ये तो हो ही नहीं सकता। फिर उसने बोला है एक्स एक्सिस पर है यानी कि वाई 0 है, तो उस वाले पॉइंट को, सॉरी एक्स एक्सिस पर है तो एक्स 0 नहीं है, यानी कि जिसमें एक्स 0 दिया हुआ है वो पॉइंट भी हटा दो। फिर बच्चे ये दो पॉइंट, इसमें से उन्होंने 7 दिया है, तो 7 वाला कौन सा है, ये है, पानी की टक्की भर गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, जल्दी जल्दी बताओ, अभी आप करके चुके हो ऐसा क्वेश्चन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस कितना होगा? यस संस्कृति, यस आस्था, तन्वी, बच्चे ध्यान से, वंश, करेक्ट। वाई एक्सिस से पूछा है तो एक्स की वैल्यू बताओगे, एक्स एक्सिस से पूछा है तो वाई की वैल्यू बताओगे, आरना, आरना एंड तन्वी, यस तन्वी, नाउ करेक्ट। अगर वाई एक्सिस से पूछा है तो एब्सिसा की वैल्यू बताओगे, यश तुम अलग ही आंसर देते हो, 10 कहां से हो गया, अभी कितना समझाया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब भी पूछा जाए अगर वो वाई एक्सिस से पूछ रहे हैं तो एक्स की वैल्यू बता दो, और एक्स एक्सिस से पूछ रहे हैं तो वाई की वैल्यू बता दो, यस आरना, नाउ करेक्ट। यस मुकुंद, परपेंडिकुलर डिस्टेंस में आपको कुछ भी सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स देखो, उसमें देखो अगर एक्स एक्सिस से पूछा है तो आप वाई की वैल्यू बता दो, वाई एक्सिस से पूछा है तो एक्स की वैल्यू बता दो, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई भी मुश्किल नहीं है, समझ में आया? यश, यस सौम्या, उत्कर्ष का है, उत्कर्ष तुम्हारे आंसर क्यों नहीं आ रहे बच्चे? कोई वेटिंग रूम में तो नहीं है? नहीं है, चलो तो इतने ही क्वेश्चंस थे आज तो मेरे पास, मिरर पॉइंट के एक तो क्वेश्चंस पूछूं, चलो मैं ही पूछ लेता हूँ, इसमें तो मैंने डाले नहीं, जल्दी जल्दी से बता रहा, मिरर पॉइंट्स 3-4, इसका मिरर पॉइंट बताना है आपको विद रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, 3-4 का मिरर पॉइंट बताना है विद रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, अगर आपको याद होंगे मेरे वर्ड्स, इसका भी ऐसी एक छोटी सी ट्रिक थी,
जो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बताई है। नो संस्कृति बच्चे, क्वाड्रेंट नहीं बताना बच्चे, मिरर पॉइंट बताना है। नो संस्कृति, स्टिल नॉट करेक्ट। वंश, क्वाड्रेंट नहीं बताना बच्चे, मिरर पॉइंट बताना है। नो, वो तो दिया ही हुआ है बच्चे, 3-4 तो क्वेश्चन में ही दिया है, तो मिरर पॉइंट सेम कैसे होगा। नो मुकुंद, विद रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस बताना है। ध्यान दीजिए, ड्रॉ करके देख लो, अगर नहीं आता है तो समझ में, यू कैन ड्रॉ क्विकली, लेट मी शो यू। ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ठीक है। सपोज करो आपके यहां पर है ए पॉइंट, 3-4 कहाँ आएगा, यहां पर आएगा 3-4। वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में पूछा है, यानी कि आपको इसे इधर की साइड शो कराना है, तो इधर की साइड जब शो कराओगे तो किसके साइन चेंज होंगे, जल्दी बताओ। अगर ये वाला पॉइंट मुझे थर्ड क्वाड्रेंट में चाहिए तो क्या होगा आंसर, यस -3-4। इसमें वाई की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ओनली एक्स की वैल्यू चेंज होगी, वाई एज इट इज रहेगा। अगर वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में पूछते हैं तो एक्स का साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है, याद रखना ये। अगर वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में पूछते हैं तो पॉइंट सेम ही रहेगा, बस एक्स का साइन चेंज हो जाएगा। और अगर एक्स, ये किसी ने दिया भी था आंसर करेक्ट, जिसका भी था वो करेक्ट है, ठीक है, पहले भी वंश तुमने बाद में दिया था, उससे पहले किसी ने दिया था, ये ऊपर स्क्रॉल करते चले जाते तो मैं देख नहीं पाता, मुकुंद ने दिया था, ठीक है मुकुंद, यस मुकुंद, ठीक है, याद रखना। अगर वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में पूछ रहे हैं तो आप एक्स का साइन चेंज कर दोगे, और अगर एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में पूछ रहे हैं तो आप वाई का साइन चेंज कर दोगे, क्लियर। अब जल्दी से बताओ, चलो इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर आपको बताना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, इसका मिरर पॉइंट बताओ विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में इसका मिरर पॉइंट क्या होगा, याद रखना। यस तन्वी, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में पूछा है तो वाई का साइन चेंज कर दोगे, वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में पूछा है तो एक्स का साइन चेंज कर दोगे, तो जल्दी जल्दी बताओ। यस मुकुंद, यस संस्कृति, यस वंश, ठीक है। तो इसका मिरर पॉइंट क्या होगा एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में पूछा है तो वाई का साइन चेंज कर दोगे, और अगर वाई के रेस्पेक्ट में पूछते तो क्या होता आंसर, -3-4 होता, तब एक्स की वैल्यू चेंज हो जाती है। और अगर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पूछे, ये भी पूछ सकते हैं हालांकि आपके कोर्स में नहीं है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पूछे तो दोनों के साइन चेंज कर दो, -3-4, ठीक है, क्लियर। किसी को कोई प्रॉब्लम, ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में दोनों के साइन चेंज कर दो, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में वाई का साइन चेंज कर दो, वाई के रेस्पेक्ट में एक्स का चेंज कर दो। ये बुक में नहीं दिया है, कई स्कूल्स में टीचर भी नहीं कराते हैं, एज आई टोल्ड अर्लियर, बहुत सारे स्कूल्स में ये नहीं कराते हैं, बट एग्जाम में दे देते हैं ये कह के कि ये तो खुद कॉमन सेंस की बात है, खुद ही बता सकते हो, जबकि ऐसा नहीं होता है। मिरर पॉइंट कई बार बच्चों को पता ही नहीं होता है, मिरर पॉइंट नाम की कोई चीज भी होती है, अब फिर भी बहुत सारे टीचर्स कराने लग गए हैं, स्टार्टिंग पॉइंट में जब मैं पढ़ाता था पहले तब मैं देखता था बच्चों को, स्कूल में कराया ही नहीं जाता था, बताते भी नहीं थे कि ऐसी भी कोई चीज होती है, फिर उससे कंफ्यूजन होता था। आई होप ये क्लियर हो गया आपको, और आप इसके एमसीक्यूज की जो पीडीएफ डालूंगा उसे एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, देख लेना, सो डैट आपको अगर अब भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सको, फाइन। एंड कल तो हम क्लास में थर्ड लॉ ऑफ मोशन करेंगे, आई गेस मोमेंटम के बारे में मैंने बताया था, मोमेंटम की थोड़ी सी और मैं आपको बताऊंगा चीजें, और उसके बाद में हम थर्ड लॉ करेंगे, और टेस्ट इस वीक में वैसे भी कभी भी हो जाएगा, मीन्स एमसीक्यू वाला मैं अपलोड करूंगा फॉर योर प्रैक्टिस, तो कर लेना उसे सभी, प्लीज टेस्ट सभी अटेम्प्ट कर लिया करो, आपकी प्रैक्टिस के लिए है, उसके मार्क्स के होने से
इतना आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, बार बार बोलता हूँ कि उसके मार्क्स आपको सिर्फ बताएंगे कि आप प्रिपेयर हो या नहीं हो, दैट्स इट। तो मैं कोशिश करूंगा इसके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ही एमसीक्यूज अपलोड कर दूं सो डेट आप प्रैक्टिस कर सको। फाइन, तो कल मिलते हैं साइंस की क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम फोर्थ चैप्टर का रिवीजन करेंगे। आज के लिए इतना ही, आप लोग जा सकते हैं। नमस्ते, टाटा, बाय बाय, मोस्ट वेलकम, थैंक यू, योर वेलकम, प्लेजर, टाटा वंश, टाटा, गुड इवनिंग। और प्लीज फी सबमिट करा दो जिस जिस की होनी है। उत्कर्ष प्लीज, आपको मैं मैसेज कर रहे थे, प्लीज रिप्लाई तो कर दिया करो बच्चे। सबमिट योर फी, बाय बाय, टेक केयर, बाय बच्चे।